नमस्कार, स्वागत है आपका टॉप स्टोरी न्यूज पर। मैं हूं तीर्थांकर सरकार और आप देख रहे हैं मेरे साथ आपका खास कार्यक्रम सतमोला प्रेजेंट सितारों की बात आचार्य डॉक्टर संजीव अग्रवाल के साथ। दर्शकों, जैसा कि आप लोगों को पता है, रोजाना हम आप लोगों के लिए नई नई जानकारियां जो है वो लेकर आते रहते हैं, धर्म से जुड़ी, विज्ञान से जुड़ी, आपके जीवन से जुड़ी, जिससे कि आप लोग अंधकार से रोशनी की ओर बढ़ सके, अज्ञान से ज्ञान की ओर बढ़ सके और हर विषय के बारे में आप लोगों को संपूर्ण ज्ञान मिल सके, ताकि आप किसी भी चीज को करने से पहले उसको समझे जाने, उसके बाद किसी भी चीज को जो है अपने जीवन में शामिल करें। आज हम बात करने वाले हैं, जैसे कि अक्सर हम देखते हैं बहुत लोग जब घर खरीदते हैं तो घर खरीदते समय उनको पता नहीं होता कि घर खरीदते समय वास्तु का जो है क्या उसमें वास्तु की उपयोगिता होती है, वास्तु शास्त्र के अनुसार आप किस तरीके से अपने घर को खरीदे। वास्तु शास्त्र के अनुसार जो है घर बनाने के लिए जमीन या भूमि खरीदने से पहले कहते हैं उसकी बनावट और उसका वातावरण देखना बहुत जरूरी है। घर या मकान व्यक्ति की जो है मूलभूत आवश्यकताओं में से एक है और अपना खुद का घर बनाना अधिकतर सभी लोगों का एक सपना होता है। वास्तु के अनुसार घर बनाने से पहले क्या चीजें देखनी जरूरी है, आज हम उसके बारे में चर्चा करने वाले। आचार्य जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आचार्य जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका टॉप स्टोरी न्यूज पर। नमस्कार, जय मां भारती, जय श्री राम। मित्रों, आज आप जब प्लॉट खरीदने जा रहे हैं, फ्लैट खरीदने जा रहे हैं, या मकान खरीदने जा रहे हैं, या कॉमर्शियल एरिया खरीदने जा रहे हैं, या इंडस्ट्री एरिया खरीदने जा रहे हैं, तो हमें, क्योंकि हमारे पास समय कम होता है, अब उम्र भी कम हो गई है, तो हमारे पास समय कम को कैसे उपयोग में लाएं, कैसे हम लोग सही चीज को खरीदें, उसके कुछ पॉइंट आपके सामने रख रहा हूं। बातें तो आपसे बहुत सारी करनी है, मगर जो मैं आपको बताने जा रहा हूं वो आपको जीवन भर लाभ जरूर देगा, इसका मुझे विश्वास है। आप प्रॉपर्टी खरीदे, प्लॉट खरीदे, मकान खरीदे, इंडस्ट्री एरिया खरीदे या खेती की जमीन खरीदे, प्लॉट खरीदते समय उस पर खड़े होकर अनुभव करें कि क्या वो आपके लिए अच्छी दिखाई दे रही है, क्या आपके मन को लुभा रही है। अगर आप कोई फ्लैट खरीदने जा रहे हैं तो आप जाके महसूस कीजिए वहां आपका दम तो नहीं घुट रहा, आप वहां पर आनंद महसूस कर रहे हैं। अगर आप कोई फ्लैट ले रहे हैं तो पंखा बंद कर दीजिए और वहां के वातावरण को महसूस कीजिए कि आपको ऐसा तो नहीं कि बिना लाइट के आप वहां रह ना पाए जी। अगर आपको वहां पर पॉजिटिव एनर्जी का संचार होता महसूस हो रहा है तो आप उसको बेशक ले सकते, बिना किसी दिक्कत के ले सकते, किसी वास्तु शास्त्र की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन अगर पंखा भी चल रहा है, एसी भी चल रहा है, तो भी आपका दम घुट रहा है, तो ऐसी प्रॉपर्टी को ना लेना अच्छा है, बरस्पत किसी आप वास्तु शास्त्र को दिखा के थोड़ा बहुत शोधन कराए जी। इसके अतिरिक्त यदि आप कोई बना हुआ मकान रह रहे ले रहे हैं तो आपको पहले पहले जो मालिक है उसके बारे में जानकारी लेनी चाहिए कि उसकी आर्थिक स्थिति इस मकान में रह के कैसी बनी, किस कंडीशन में वो मकान बेच रहा है, क्या वो कोई और बड़ा मकान खरीदने के लिए जा रहा है, या अपने मकान को बेच के किराए के मकान में जा रहा है, या उसकी कोई मिस हैपनिंग इस मकान में तो नहीं हो गई है। अब आपको किसी वास्तु शास्त्री की शरण में जाना चाहिए, उससे उपाय पूछना चाहिए जी। अगर आपको लगता है कि मकान टी पॉइंट पर है तो आप उसको बिल्कुल ना खरीदे, उसको छोड़ दे, या उसका भी आप टीट करा के उसको ठीक करा के तब आप उसको खरीदे, क्योंकि टी पॉइंट वाला मकान अपने मालिक जल्दी जल्दी बदल देता है, बहुत सारी मिसहैपनिंग उससे जुड़ी हुई होती है। और असली बात तो यह है कि ऐसे मकान किसी के लिए भी बढ़िया नहीं होते। आप अपने गली से निकलिए और सामने का मकान देखिए जो टी पॉइंट पे है, आप देखेंगे कि उजड़े हुए चमन की तरह दिखाई देता है जी। इसके अलावा गली का बिल्कुल आखिरी का प्लॉट हो, आखिरी का मकान हो जी, तो उसका भी उपाय करा के ही खरीदा जा सकता है, अदरवाइज नहीं खरीदे जी। जो मकान जीर्ण शीर्ण अवस्था में हो, बिल्कुल टूटा फूटा हो जी, और आपको वो पसंद है, आप खरीदना चाहते हैं, तो उसको बिल्कुल तोड़वा दीजिए, उसके बाद उसको खरीद, अर्थात सौदा कर लीजिए, उसके बाद वो तोड़वा दीजिए, बिल्कुल जमीन दोज करा दीजिए और उसके बाद उसका पहनावा कराइए, आपके पैसे भी कम लगेंगे और आपको मकान भी ठीक मिलेगा। मकान या प्लॉट खरीदते हुए यदि आप
उस जमीन के ऊपर कुछ चावल मतलब मुझी या गेहूं बिखेर दे और उसे महसूस करे 15 दिन के अंदर, अगर उसके अंदर उपज आ जाती है तो वो आपके लिए पॉजिटिव है, और अगर उसके अंदर वो खत्म हो जाते हैं, चिड़िया खा जाए, उसके अंदर पौध ना हो, जौ ना निकले, तो आप मान लीजिए इस मकान के अंदर आपका रहना शुभ नहीं होगा, उसमें आपकी इंडस्ट्री लाभ नहीं देगी। जो जमीन उपजाऊ नहीं होती वो मालिक को हमेशा नुकसान देती है, इस चीज को समझना चाहिए, ये सब बातें समझकर आपको खरीदना चाहिए। महानगरों की स्थिति आजकल ऐसी हो गई है कि लोग मकान प्रॉपर्टियां खरीदते हैं लेकिन उनकी जो मानसिक स्थिति होती है वो लेने के बाद 10 साल बाद, 4 साल बाद, 2 साल बाद पता चलता है। ऐसी प्रॉपर्टियों के बारे में पहले शोधन करा लीजिए किसी वास्तुशास्त्री से मिलके, तब आप उसको खरीदेंगे तो ही लाभ मिलेगा। तो आज ये जो प्रॉपर्टी खरीदने का है वो आपके सामने है, बाकी सरकार जैसा बताएगी हम तो वैसा बोलेंगे। जी आचार्य जी, आचार्य जी जैसे कि आपने मकान को खरीदने को लेकर किन चीजों का ध्यान रखना चाहिए, वास्तु का क्या क्या ध्यान रखना चाहिए उसके विषय में आपने बताया। आचार्य जी वास्तु विचार के बारे में भी थोड़ा सा आज बता दीजिए दर्शकों को। देखिए वास्तु विचार की जहां तक बात है तो हम लोग दिशाओं पे ध्यान देंगे जी। 4 दिशाएं हैं, 4 उसकी विदिशाएं हैं और 2 उसकी स्पेशल दिशाएं, कुल प्रकार 8 दिशाएं की जगह 10 दिशाएं मानी जाती है जी। अगर हम सबसे पहले पूरब की दिशा की बात करें तो पहले पूरब आता है, पश्चिम आता है, उत्तर और दक्षिण आता है जी। इसके बाद उसकी वी दिशा के अंदर ईशान आता है, अग्नेय आता है, वायव आता है और नेतस्य आता है जी। इसके बाद आती है पृथ्वी और आकाश, 2 दिशाएं ये हो जी। तो हम सबसे पहले जो आपके लिए बात करते हैं, जिधर से सूरज निकलता है तो सूरज हमेशा पूरब से निकलता है, तो जो पूरब की दिशा होती है वो सबसे बढ़िया मानी गई है जी। क्योंकि निकलता हुआ सूरज आपको पॉजिटिव एनर्जी देता है जी। तो अगर ऐसी दिशा में अगर आपका घर बनता है जी, तो आपको पूरब की दिशा ले लेनी चाहिए प्लॉट को, चाहे उसके लिए आपको 1 रुपए 1 रुपए 2 पैसे लेने पड़े जी। अगर आपने घर बना हुआ है तो पूरब के तरफ से आने वाली हवा आपके घर में जरूर आए, ऐसी व्यवस्था आपको घर बनाते हुए रखनी चाहिए। इसके बाद आता है ईशान। ईशान की दिशा पॉजिटिव एनर्जी के लिए बहुत बढ़िया है, लेकिन वहां से रास्ता देना घर के लिए बहुत खराब है। जब किसी रास्ते को हम ईशान से देते तो गंदगी उस रास्ते से घर में आती है, जो हमेशा नेगेटिविटी हम लोगों को देती है। ऐसी जगह पर हमें सफाई की व्यवस्था बिल्कुल बढ़िया तरीके से रखनी चाहिए जी। इसके बाद आती है हमारी उत्तर की दिशा। उत्तर की दिशा का या तो माता उसकी मालिक होती है, माता का स्थान होता है, या फिर उसके स्थान कुबेर जी, धन का स्थान माना गया है। जब जब उत्तर की दिशा खराब होती है, ऊंची होती है, ऐसे घर के अंदर घर की जो मालकिन होती है, जो लेडीज होती है, वो परेशान जी। धन का आवागमन धीमा हो जाता है, जो हम स्त्री धन कहते हैं वो कमजोर पड़ जाता है। अब जैसे अब कोरोना आया था, आपने देखा तो कोरोना के अंदर हम लोगों के जो घर चले, कमाई तो बंद हो गई थी, तो स्त्री धन के आधार पर चले, जो हमारी पत्नियों ने जोड़ा था उसके आधार पे हम लोगों ने घर को चलाया अपने, ये आधार होता है घर के अंदर स्त्री धन का। तो हमेशा ढलावदार होना चाहिए, साउथ ऊंचा होना चाहिए, नॉर्थ नीचा होना चाहिए, धन के स्थान के लिए, पति के स्थान के लिए ये जगह बेस्ट मानी गई है। जो बच्चे पढ़ने वाले हैं, छोटे बच्चे, उनकी शिक्षा के लिए भी यह स्थान उत्तम माना गया है। और उत्तर से यदि हम रास्ता भी बना दे तो भी वो आपके लिए फलित होगा, अच्छा होगा। इसके बाद आता है वायव कोण, नॉर्थ वेस्ट।
यह हमारे मेहमानों का क्षेत्र है, हमारी जो बिटिया जिसकी शादी होती उनका क्षेत्र है। हमेशा जहां पर जोड़ आता है, जैसे नॉर्थ वेस्ट जोड़ वाली जगह है, वहां पर दरवाजा लगाना हमेशा अहितकारी होता है। इस रास्ते यहां से रास्ता निकालना गलत है। या तो आप नॉर्थ की तरफ रास्ता बनाइए या वेस्ट की तरफ रास्ता बनाइए, लेकिन नॉर्थ वेस्ट में रास्ता नहीं बनाना चाहिए। ऐसे घर की महिलाएं चरित्रहीन तक हो सकती है जी। और इसके बाद आता है हमारा वेस्ट का एरिया। नॉर्थ वेस्ट का स्वामी जो एक चंद्रमा है, चंचलता देता है, और इसके बाद वेस्ट आता है। वेस्ट बोलते हैं पश्चिम को, और इसके स्वामी शनि देव है। यहां से अगर आप घर का रास्ता बनाते हैं तो बहुत अच्छा है, कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। वेस्ट को थोड़ा ऊंचा रखिए, डौड़ी बनाइए और तब उसके यूज कीजिए। यहाँ पर जानवर भी बांध सकते हैं, अपने कुटियार बना सकते हैं, अपने स्टोर बना सकते हैं, अपने टॉयलेट बना सकते हैं, जवान कमरे बना सकते हैं, मेहमानों के लिए स्पेस बना सकते हैं, अपना कमरा भी बना सकते हैं। इसके बाद आता है आपका साउथ वेस्ट, यानी नेतृत्व कोण। नेतृत्व कोण की स्थिति होती है कि इसका जो स्वामी है वो नेतृत्व देवी है, और राहु और केतु यहाँ पे विराज करते हैं, वास करते हैं। अगर हम मालिक का कमरा यहाँ बनाए तो उत्तम है। प्लस अगर हम साउथ से रास्ता ले, वेस्ट से रास्ता ले, लेकिन साउथ वेस्ट से हमें रास्ता नहीं लेना चाहिए किसी भी कंडीशन में। अगर हम साउथ वेस्ट से किसी मजबूरी में रास्ता लेना पड़ता है तो उसका उपाय ही करा के रास्ता बनाना चाहिए। अदरवाइज हमारे घर के अंदर जो हमारी समृद्धि होती है वो कमजोर पड़ जाती है। इसके बाद आता है हमारा साउथ दक्षिण। दक्षिण जिसको माफी कहा जाए, इसको स्वामी मंगल है, और कुछ किताबों के अंदर इसका स्वामी शुक्र भी माना जाता है। यहां पर आपका दरवाजा लग सकता है। अगर आपका दरवाजा साउथ में लगता है कोई बुराई नहीं है, उसका उपाय हल्का सा करना पड़ता है तो वो आपके लिए बहुत बढ़िया हो जाता है। लेकिन हमारे यहाँ पर प्रचलन में आ गया है साउथ बुरा है। अरे साहब, जब हमारे महापुरुष आशीर्वाद देते हैं जा तेरा मंगल हो, तो साउथ का रास्ता कैसे बुरा हो सकता है। भारत के साउथ के अंदर गुजरात से लेके केरल तक आता है, सारा ही बहुत बढ़िया है, बहुत ही अच्छा कमाई वाला क्षेत्र है, देश को बहुत अच्छी आमदनी देने वाला क्षेत्र है, तो बुरा कैसे हो। तो हमारे मति के अंदर जो डाल दिए गए हम उसी पे यकीन करते हैं, और जिनके साउथ के अंदर घर बने हुए हैं उनको रास आ रहे हैं, वो तो बहुत मालदार हो गए हैं। इसके बाद आता है साउथ ईस्ट, इसका स्वामी शुक्र है, कुछ जगह इसको मंगल भी स्वामी मानते हैं। ये गर्म क्षेत्र का है, गर्म यहाँ पर गर्म दिन होते हैं, लेकिन यहाँ से रास्ता बना सकते हैं, या तो आप ये साउथ के ईस्ट से रास्ता बनाइए, साउथ ईस्ट के साउथ से रास्ता बनाइए। लेकिन तिकोना है जहाँ पर 45 डिग्री पे आके दिशा कटती है, वहां से रास्ता नहीं बनाना चाहिए, वो गलत होता है। क्योंकि हमारे रसोई के लिए, हमारे जनरेटर के लिए, हमारे बिजली के कनेक्शन के लिए बेस्ट है। हमें यहाँ से पानी भी बचाना के रखना चाहिए। यहाँ पर पानी के टैंक वगैरह था, यहाँ का बना हुआ रास्ता हमेशा जिले से होता है, इसके कराकर भी आप लाभ उठा सकते हैं। इस बात ये थी आपकी आठ दिशाएं। अब इसके बाद लेते हैं भ्रम स्थल, जहां पर धरती तत्व। अब आप देखिए, सारे दिन सूरज निकलता है तो उसकी जो ऊर्जा केंद्रित होती है वो होती है भ्रम स्थल, बीच में होती है, घर के बीचों बीच होती है। पहले जब घर बनते थे तो पहले बीच में चौक होता था, आंगन, उसके चारों तरफ बरांडा होता था, उसके बाद कमरे होते थे। प्लॉटों के साइज घटते चले गए तो सबसे पहले बरांडा खत्म हो गया, उसके बाद जो आंगन था उसके अंदर हमने जी। यहाँ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद फिर लौटेंगे। जितना जी में आए खाओ, बस खाते ही खाते जाओ, धरने की क्या बात है जब सतमोला साथ है। टेस्ट है इसका सबसे निराला, हर दिल पर
की दोस्ती दिखाते हैं, दिखाते थे, तो उससे हमारी ऊर्जा का जो संचार, हमारी बॉडी का टेम्परेचर वो बैलेंस हो जाता था। तो ये है हमारी दिशाएं, और हमें इसके बहुत सारे मंत्र भी हैं, बहुत सारा कुछ और भी है, लेकिन अगर आपने दिशाओं के महत्व को समझ लिया, वहां के बनने वाले रास्तों को समझ लिया, तो आपका घर परिपूर्ण हो जाएगा और आपको 55% लाभ तो अपने दिशा को समझकर उसके हिसाब से घर बनाने के बाद हो जाएगा, क्योंकि एक घर के अंदर 45% वास्तु का अधिकार होता है, 15% आपका ज्योतिष का होता है और 20% आपके कर्म होते हैं। 80% आपका सुधर गया तो 20% आपका भाग्य है। अगर आपका भाग्य बढ़िया है तो फिर आप तो राजा वैसे ही है, फिर तो आपने जन्म ही राजा के परिवार में किया है। तो कुल मिला के जो वास्तु की स्थिति है, आप अपने घर को वास्तु सम्मत बनाइए, निश्चित तौर से आपके जीवन के अंदर हमेशा सुख रहेगा। यही मेरा आज का आपसे विचार है। जी आचार्य जी, बहुत बहुत धन्यवाद आचार्य जी इतनी बेहतरीन जानकारी दर्शकों को देने के लिए। कुछ सवाल यहाँ आचार्य जी हमारे पास आ गए हैं, मैं चाहूंगा कि इन सवालों के जवाब जो है वो हम दे। कन्हैया कृष्णा ने हमें लिखा है, सुपौल बिहार से लिखते हैं, इनका जन्म हुआ है 17 अक्टूबर 1993 को, 1993 शाम के 4 बजे। विवाह में इनके रुकावट आ रही है आचार्य जी, तो ये जानना चाहते हैं क्या परेशानी, क्या समस्याएं चल रही है। इनका मीन लगन तुला राशि है, शनि की भैया इन समय इनकी राशि में चल रही है। रविवार को इनका जन्म हुआ था, और जहां तक इनकी कुंडली की बात है, इन्हें मात्र इतना करना चाहिए कि 1.5 कैरेट का एक ओपल ये रिंग फिंगर चांदी में बनवा के इस उंगली में रिंग फिंगर में पहन ले, फ्राइडे के रोज, शुक्ल पक्ष में फ्राइडे के रोज शुक्रवार को, तो नवंबर से लेके जून तक में इनका विवाह हो जाएगा, नौकरी पेशा पत्नी मिलेगी। वैसे तो इनका लव रिलेशनशिप होना चाहिए, जो इनकी कुंडली देख रहा हूँ, इनके लव रिलेशन होने चाहिए, वो बात नहीं बन पा रही हो वो बात अलग है। आप एक अच्छी नौकरी के अंदर हो, खाली आप 8.5 कैरेट का ओपल पहन लीजिए तो आपकी लाइफ के अंदर सब कुछ परिवर्तन हो जाएगा और आपकी स्थिति बढ़िया हो जाएगी जी। आपका लगन मीन है और आपकी राशि तुला है, और चंद्रमा तुला राशि के अंदर अष्टम हाउस के अंदर, इसलिए आपके मन में भटकाव भी बना रहता है। तो ओपल पहन लीजिए, आपकी लाइफ के अंदर बदलाव हो जाएगा, आपका विवाह बहुत शीघ्र हो जाएगा। धन्यवाद जी आचार्य जी, बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद है कन्हैया जी आपको आपके प्रश्नों के उत्तर मिल गए होंगे। अगला सवाल हमें सपना सरोज जी ने भेजा है मुंबई महाराष्ट्र से। मुंबई महाराष्ट्र में इनका जन्म हुआ है 17 जुलाई 1994 17 जुलाई। समय है इनका 12:15 रात के, और ये जानना चाहती है इनको अपने कारोबार में सफलता नहीं मिल पा रही है, बार बार कुछ कारोबार नया खोलती है उसमें कुछ ना कुछ नुकसान होता है जिसे बंद करना पड़ता है। इनका मीन लगन है तुला राशि है, और स्वाति नक्षत्र में इनका जन्म हुआ राहु के कंटेंट है। असल में इनका चंद्रमा राहु के साथ पीड़ित है अष्टम हाउस में, इनके मन के अंदर भटकाव है, ये बहुत समय तक एक काम को लगातार नहीं कर पाती, सबसे बड़ी कमी ये है इनके साथ। साथ में इनका जो बुध है वो चौथे घर में है, तो चौथे घर का जो बुध है वो व्यापार के लिए नहीं होता, इनको तो सर्विस ज्वाइन करनी चाहिए, उससे लाभ मिलेगा इनको जी। और इनका जो शनि है वो 18 डिग्री का है, शनि इनका 12वें घर में और शुक्र इनका 6ठे घर में, एक दूसरे के पे निगाह रखे हुए हैं, इनको नौकरी करने में ही लाभ मिलेगा, क्योंकि इनके विचार जनरली जो इनके पास 4 बार आ जाता है उससे विचार नहीं मिलते, नए आदमी से इनके विचार सही मिलते हैं जी। इनका बहुत जल्दी गुस्सा आता है, इन्हें अपने गुस्से के ऊपर भी थोड़ा सा इन्हें अपना ध्यान रखना चाहिए, और नौकरी की तरफ जाएंगी तभी लाभ होगा इनको, व्यापार में इनके लिए बहुत बढ़िया स्कोप नहीं नजर आता जी। आचार्य जी,
बहुत बहुत धन्यवाद आचार्य जी। उम्मीद है आपको भी सपना जी आपके प्रश्नों के उत्तर मिल गए होंगे, और अगर आप और भी कुछ जानना चाहती है तो नीचे दिए गए नंबरों पर हमें संपर्क कर सकती है। आचार्य जी से पर्सनली मिलकर भी आप अपनी समस्याओं के बारे में आचार्य जी से पूछ सकती है, उनके जवाब जो है आप पा सकती है। अगला सवाल जो है वो भी हमें मुंबई महाराष्ट्र से आया है, संजीव चौहान का। इनका जन्म हुआ है 26 दिसंबर 1976 26 दिसंबर, और इनका समय है सुबह के 10 से 10:30 के बीच का इनका समय है। जन्म का स्थान मुंबई महाराष्ट्र है। इनकी समस्या है इनके पास पैसा नहीं दिखता है, और जब भी कोई कारोबार करते हैं या कोई लेन देन का काम करते हैं तो उसमें अक्सर इन्हें धोखा मिलता है, कोई भी काम इनका सफल नहीं हो पाता है। देखिए, इनका मकर लग्न है, कुंभ राशि है, रविवार को इनका जन्म हुआ है। वर्तमान में 24/1/2020 से शनि की 7:30 का दूसरा चरण चल रहा है, तब से इनको थोड़ी मानसिक परेशानी चल रही है। आप मंगली हैं और आपका जो शनि है वो सप्तम हाउस के अंदर है, इसलिए आपकी पत्नी के साथ आपके वैचारिक मतभेद बनते हैं जी। हालांकि आप बहुत संवेदनशील हैं, अपने परिवार से बहुत प्यार करने वाले हैं, मगर बुध आपका खराब होने की वजह से आपको लाभ नहीं मिल पा रहा है। आपको 7.25 रत्ती का एक पन्ना वो आपको अपनी कनिष्का में कन की उंगली में पहनना चाहिए, और आपको हरे अंडरवियर पहनने चाहिए। आपके पैसे भी रुकने लगेंगे, और साथ में श्री यंत्र की स्थापना आप अपने घर में करें और उसको चांदी का बनवा के अपने कवर्ड में, अपनी अलमारी में जहां धन स्थान होता है वहां पे रखें, आपके घर के अंदर पैसे की बरकत होने लगेगी, ये निश्चित है। इसके अतिरिक्त आपके अपनी पत्नी से जो विचार नहीं मिलते, अपनी पत्नी के साथ किसी भी अपने विवाह दिवस पर जाकर अपना रुद्राभिषेक करके एक दूसरे को पुनः वरमाला पहनाए, उसके बाद से आपके और आपके पत्नी के विचार मिलने लगेंगे, आपके घर में धन की बरकत भी होने लगेगी। जी अरे जी, बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद है संजीव जी आपको भी आपके प्रश्नों के उत्तर मिल गए होंगे। आज बहुत ही बेहतरीन जानकारी आचार्य जी ने आप लोगों को दी, आपके प्रॉपर्टी से जुड़ी, जो अक्सर आप लोगों को परेशानी होती थी जब भी आप प्रॉपर्टी खरीदने जाते थे। आचार्य जी ने आपको जो भी उपाय बताए उन उपायों को कीजिए, निश्चित तौर पर ही आपको आपके जीवन में जो है सकारात्मक उसके प्रभाव, उसके सकारात्मक फल जो है वो दिखना शुरू हो जाएंगे। इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक इस जानकारी को साझा कीजिए, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग जो है इससे लाभ ले सके, उनके भी जीवन में सकारात्मक बदलाव आ सके। हमारे चैनल को YouTube पे सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबा के सबसे पहले हमारी वीडियोस को पाइए। ताजा तरीन खबरें के पढ़ने के लिए लॉगिन कीजिए www.topstory.online। कहीं मत जाइएगा, बने रहिएगा खबरों में, फिर मिलेंगे कुछ नई जानकारियों के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए सतमोला प्रेजेंट, सितारों की बात आचार्य डॉक्टर संजीव अग्रवाल के साथ। धन्यवाद। बोला।